आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए, मुंबई कैसा लगा आपको? अभी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं घूम पाऊँ, बट जितना भी घूमी हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मुंबई किस सिलसिले में आना होगा, हम जानना चाहेंगे। मैं तो आर्टिस्ट हूँ तो शूटिंग के सिलसिले में ही आऊंगी ज्यादातर। तो अभी शूटिंग करने के लिए आई हूँ मैं। तो जिसे बैकड्रॉप दिख रहा है एवरेस्ट भोजपुरी। हाँ जी, कंपनी से मैं गाना कर रही हूँ। अभी बहुत सारा गाना शूट हो रहा है अभी यहाँ पे हम लोग का। सोलो गाने भी शूट हुए हैं और डुएट भी शूट हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके यहाँ पे मुंबई में। ये सोलो गाने शूट हो रहे हैं और एक टुनटुन यादव जी के साथ मैं इस कंपनी से, तो अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके। तो अच्छा लगेगा सबको। तो जैसे रियल लाइफ आप जिसे आपके गाने आते हैं, जो आप जाने जाते हैं जो अपने प्रतिभा के लिए, वो कितना यहाँ पे दिखने वाला है एवरेस्ट भोजपुरी के गाने में? मैं अपना पूरा 100% दी हूँ और हर जगह मैं 100% देती हूँ अपना, और बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए जिससे मैं और आगे बढ़ूँ और मेरा काम अच्छा होते जाए धीरे धीरे। तो जैसे कि आप ढेर सारी म्यूजिक कंपनी के लिए काम करती हैं, हाँ, अब एवरेस्ट भोजपुरी एक नई कंपनी आ रही, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं तो यही बोलूंगी कि नई कंपनी है और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है वीडियो में, ऑडियो में, शूटिंग में। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इस कंपनी को ढेर सारा सपोर्ट करें और प्यार दें, और मेरा जो भी गाना आने वाला है इस चैनल से, मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप सबके बीच लाऊंगी, बताऊंगी। तो आप लोग मेरे गाने को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शिल्पी जी, अभी गाने जैसे आपने किया, सोलो भी किए, डुएट किए टुनटुन जी के साथ, तो गाना कितना खर्चीला था, कितना बड़ा लोकेशन था, क्या कहना? अभी तक तो मैं जहाँ भी शूटिंग की हूँ सबसे ज्यादा महंगा लोकेशन लगा मुझे यहाँ मुंबई में, और शूटिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ड्रेस में भी बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है शूट करके यहाँ पे, बहुत बड़ा शूटिंग हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी धमाकेदार एंट्री, हाँ, धमाकेदार एंट्री कर रही है और बवाल मचाएगी ये भी, ये कंपनी भी बिग बजट के साथ आ रही है। हाँ, तो क्या अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस से यही बोलना चाहूंगी कि अभी तक आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या फिर जो नए लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी, और जो पहले से मुझे जानते हैं उन लोगों को भी, थैंक यू सो मच आप सबको कि आप लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किए हैं यहाँ तक आने में, ताकि मैं गाँव से मैं पटना गई, फिर पटना से मैं मुंबई आई, तो यहाँ तक का सफर मेरे लिए बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि लाइफ का वो सारी चीजें मिल जाना इतने कम टाइम में, आप लोगों का सपोर्ट है और मेरा मेहनत है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसे ही हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और आगे बढ़ूँ। आर्टिस्ट लोग का क्या होता है ना, लास्ट मुंबई रहता है कि हाँ मुंबई जाके मुझे वहाँ काम करना है, तो मेरा फाइनली यहाँ आके वो चीज मेरा खत्म हो गया, मैं यहाँ आके काम कर ली। भोजपुरी ने आपका सपना साकार किया मुंबई आने का। जी हाँ जी। वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी, क्या कहना चाहेंगे? सर के साथ तो मेरा पहला काम है, मतलब इसके पहले मैं इनके साथ काम नहीं की हूँ, बट पहले ही बार काम कर रही हूँ और सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं, तो मैं आगे भी इनके साथ काम करना कंटिन्यू चाहूंगी। इस समय में क्या प्रोजेक्ट है, मैं कुछ बताना चाहेंगे, किन गानों में नजर आने वाली या फिल्मों में भी नजर आने वाली? हाँ जी, अभी मैं रिसेंटली मैं एक फिल्म करके आई हूँ चिंटू जी के साथ, चिंटू की दुल्हनिया, तो वो फिल्म है, और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट है इसके बाद भी करने वाली हूँ। वाराणसी में भी शूट स्टार्ट है मेरा, डेट भी फिक्स है, शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी यहाँ पे मुंबई आने से पहले जिस दिन मैं आई उस दिन भी मैं गाने शूट करके आई हूँ, तो वो भी बहुत प्यारा प्यारा गाना शूट करके आई हूँ, और भी गाने शूटिंग करनी भी है, फिल्म भी शूटिंग करनी है, बहुत सारी प्रोजेक्ट है। तो मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू सबको बताती हूँ, तो और भी सारी चीजें बताऊंगी मैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट है, अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूंगी, बस शेड्यूल बिजी है, इधर लगातार काम करना है।